सोचा गॉडजिला वर्सेस किंग कोंग मूवी देखने से पहले इसकी जो पुरानी मूवीज हैं उनको देखा जाए, एक बार यादें जो हैं वो फिर से ताजा की जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी के बारे में। ये 2019 में आई थी। इससे पहले इसकी जो एक मूवी है गॉडजिला जो 2014 में आ चुकी थी उसको मैं ऑलरेडी देख चुका था। फिर 2017 में कोंग स्कल आइलैंड आई थी उसको भी मैं देख चुका था, लेकिन मैंने 2019 वाली मूवी नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा कम से कम ये मूवी देख जाऊं थिएटर में ताकि पता चल जाए कि गोडजिला जो है उसको किंग ऑफ मॉन्स्टर्स क्यों कहा गया, उसके पास क्या पावर है। तो वहां पर हमें पता चल जाता है इस मूवी के अंदर। मैं अपना अगर पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद किसी को अच्छा लग सकता है किसी को अच्छा नहीं लग सकता, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे ये मॉन्स्टर्स वाली मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर फाइटिंग सीक्वेंस जो दिखाए जाते हैं वो मुझे इतने लुभावने नहीं लगते, इतने इंटरेक्टिव नहीं लगते, और वो दो दो घंटे लंबे होते हैं यार फाइटिंग सीक्वेंस, तो यार वो चीज देखना मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। अब इस मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं। एक सनकी औरत है जिसका नाम होता है एमा, वो जो टाइटन सो रहे होते हैं वो उनको जगा देती है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो दुनिया का मतलब एकदम बैलेंस बिगड़ गया है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब ये टाइटन्स को जगाने के पीछे रीजन ये देती है कि अगर टाइटन्स को नहीं जगाया गया तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे इंसान बढ़ रहे हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर मतलब भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ने के कारण पोल्यूशन गंदगी जिससे धरती है तबाही की तरफ जा रही है, अगर टाइटन्स को नहीं जगाया गया तो ये धरती बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इंसानी वजूद खत्म हो जाएगा। तो अगर ये टाइटन्स को जगा देते हैं तो ये बैलेंस कर देंगे, यानी आधी जनसंख्या को ये खत्म कर देंगे, जो आधी बच जाएगी वो इनके साथ रह लेगी टाइटन्स के साथ। तो ये घिसा पिटा कॉन्सेप्ट इसमें हमें सुनाया जाता है। पता नहीं ये कितनी बार मैं सुन चुका हूँ हॉलीवुड के मूवीज में, इन्होंने पता नहीं कितनी बार आधी दुनिया को खत्म कर दिया। लास्ट वाली मूवी देख लो यार, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर या फिर एवेंजर एंड गेम, जिसमें थेनोस चचा आते हैं आधी दुनिया को उड़ा के चले जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट देते हैं कि इस दुनिया का बैलेंस सही करना है। वो यूनिवर्स की बात कर रहे थे, ये दुनिया की बात कर कहते हैं कि इस दुनिया का इस यूनिवर्स का बैलेंस सही करना है तो आधी जनसंख्या को उड़ना जरूरी है। खैर छोड़ो, हम कहानी के पर वापस आते हैं। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर गॉडजिला को एक हीरो के तौर पे नजर आया दिखाया गया है, मतलब कि ये एक टाइटन होता है इसके अंदर जिसका नाम होता है गिडोन, गिडोन यही नाम है। वो इससे लड़ता है क्योंकि जो एमा है वो इसको जगा देती है। एक्चुअल में कहा जाता है कि यही सबसे बड़ा सरदार है या फिर मुखिया है, जो भी है उसी को प्रमुख दिखाया जाता है। तो जब इसको जगाती है तो गॉडजिला की इसके साथ फाइट दिखाई जाती है। अब देखो यार, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गिडोन जीतेगा या गॉडजिला जीतेगा। अब जो एक कॉन्सेप्ट है जिनके दोनों की फाइट का, अब ये वाली जो चीज होती है वो इंटरेस्टिंग बनाने की होती है कि इनकी फाइट को कैसे दिखाया जाना है, इसमें ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा, वो कैसे स्क्रीन पर अपना ध्यान रखेगी, ये जो मेन चीज होती है। बाकी तो पता ही होता है कि यार जीतने वाला कौन है। 2019 के अंदर गॉडजिला को एक हीरो की तरीके से दिखाते हैं, फिर 2021 में आती है तो उसको किंग कोंग से लड़ाया जाता है और वहां पर उसको एक विलन के तौर पर दिखाया जाता है। बेचारे की इसकी तो करेक्टर का मतलब चीरहरण कर दिया, कभी इसको हीरो कभी इसको विलन, ये भी कंफ्यूज हो गया यार, मुझे दिखाना तो एक कम से कम एक पर्सनैलिटी तो रख लो। 2019 की मूवी के अंदर गॉडजिला है, इसके अलावा गिडोन एक और टाइटन है जो सबसे ताकतवर इसमें दिखाया गया है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे रेडोन करके एक और टाइटन दिखाया जाता है। वैसे इसमें बहुत सारे टाइटन दिखाए जाते हैं, उनके नाम तो नहीं पता, ये तीन ही नाम मुझे पता है। अब इसके बाद मैं बात करूं विजुअल्स की, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर जो विजुअल्स मुझे लगे, जब ये गिडोन आता स्क्रीन के ऊपर तब यार एक तरीके से धुंधलापन आ जाता, धुंधला की जैसे ही आता इसको क्लियर से नहीं दिखाया, क्लियरिटी इतनी नहीं दिखाई गई। जब भी आता या तो धुआं ही धुआं कर देते या फिर मतलब रात हो जाती, इतना क्लियरिटी से नजर नहीं आ रहा था। सेम टू सेम चीजें चल रही थी गॉडजिला के साथ, जब भी गॉडजिला आता तब भी वही चीजें आती सामने, मतलब वो धुआं हो जाता वहां पे या फिर वो बादल आ जाते, रात हो जाती, विजुअल्स मुझे इतने खास पसंद नहीं आए। कहानी को लास्ट में इमोशनल टच देने की कोशिश की है, बट यकीन मानो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, लास्ट के अंदर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यार इसमें हमें उस करेक्टर से इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं किया गया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इमोशनल नहीं हो पाते, सच में बिल्कुल भी 1% भी इमोशनल नहीं होंगे हम। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है, जब भी मॉन्स्टर्स आते हैं तो इनके ऊपर ये फायरिंग करने वाला एक कॉन्सेप्ट कहां से लेके आते हो यार, पता चल रहा है कि भैया उनके ऊपर फायरिंग का असर नहीं होगा, बट नहीं यार वही चीज फायरिंग उनके ऊपर करनी है, वो मर जाएंगे क्या। इतनी पहले भी 2014 के अंदर तुमने ऐसी हरकतें करके देख ली थी, फिर से 2019 के अंदर मूवी ये फिर ये वाली हरकतें कर रहे हो, अरे नहीं मरने वाला फिर भी वो गन लेके, ये चीजें जो होती हैं वो इतनी इरिटेट करती है कि जानबूझ के ऐसे लगता है कि मूवी को लंबा खींचा जा रहा है और बस
ऐसा फीलिंग सी होती है यार कि यार ये वाली चीज क्यों कर रहे हो यार, ये तो इलॉजिकल है, नहीं लगने वाली उसको गोली, कोई असर नहीं होने वाला उससे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मूवी खराब है, बिल्कुल नहीं यार, थोड़ी बहुत मूवी अच्छी है। इसके लास्ट का जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो थोड़ा बहुत मुझे पसंद आया, जैसे वो गोडजिला अपनी बहुत ज्यादा वो पावर इसके अंदर दिखाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि फुल पावर के अंदर आता है, और जब ये चलता है भाई साहब बिल्डिंग की बिल्डिंग पिघल जाती है, इतनी ज्यादा इसके अंदर हीट होती है, इतनी ज्यादा इसके अंदर पावर होती है। ये वाला जो सीन था मुझे ये पसंद आया, बाकी स्टोरी मुझे कमजोर लगी, विजुअल्स मुझे ठीक ठाक ही लगे, और फाइटिंग सीक्वेंस मैंने कहा ना यार इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। ये मेरे पर्सनल थॉट हो सकते हैं, शायद आप मेरे साथ एग्री करें या नहीं करें, वो आपके अपने विचार हैं, देश आजाद है, आपकी सोच भी आजाद है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 सर। अगर आपने गोडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो आप मॉन्स्टर्स मूवी देखने के दीवाने हैं, तो बेशक आपको यह मूवी पसंद आ सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।